हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। सो आज हम लोग अपना जो इस संडे का मेजर टेस्ट है, ठीक है, उसका जेई मेंस का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेजर टेस्ट में आपका फुल सिलेबस आता है, और क्योंकि ये आपका जेई मेंस का पेपर 10 दिन बाद ही होने वाला है, तो ये पूरा का पूरा पेपर आपका उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे आपका जेई मेंस का पेपर आता है, ठीक, उसी के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। उसी स्टैंडर्ड पर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आपको हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ 1/6 × 10 + 1/10 × 14 + 1/14 × 18 up to infinity। सो देखिए, जब भी डिवाइड के अंदर नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, टेलीस्कोपिक मेथड से। तो यहाँ पर भी हमारा वही लगेगा। तो नीचे वाले जो दो नंबर्स हैं उन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे सामने, 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज रखेंगे। दिस प्लस 4 / 10 × 14 + 4 / 14 × 18। और जब भी इस तरीके से इनफाइनाइट तक सीरीज होती है तो आपको लास्ट वाली टर्म्स को नहीं देखना होता है, ठीक है। अगर एंड टर्म्स होती है तो हमें लास्ट टर्म भी लिखनी पड़ती है, बट इनफाइनाइट तक हो तो हमें लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो टर्म क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो 1/4 बाहर है, ऊपर जो 4 है उसको लिखा हमने 10 − 6 / 6 × 10 प्लस यहाँ पर जो 4 है उसको लिखा 14 − 10 / 10 × 14। यहाँ पर जो 4 है उसको लिखा 18 − 14 / 14 × 18। ये हम हर 4 को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर, जैसा डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं 1/4, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए। देखिए 10/6 × 10 में 10 कट जाएगा और आपके सामने आएगा 1/6 − 1/10। ऐसे यहाँ पर 14 कैंसिल आउट होकर के आपको मिलेगा 1/10 − 1/14। यहाँ पर 18 कैंसिल आउट होकर के आपको मिलेगा 1/14 − 1/18 एंड सो ऑन, आपके सामने इस तरीके से आगे चलता रहेगा। जैसे ही डिवाइड करोगे, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक मेथड से जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ऐसे टर्म्स कैंसिल आउट होती हुई दिखाई देगी। तो बस हमारे सामने सिर्फ पहली टर्म बची है, बाकी सब कैंसिल आउट हो रही है, आगे वाले फैक्टर से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस तरीके से सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ पहली वाली टर्म बचेगी। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/4 × 1/6, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/24। तो ये हमारा आंसर है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या है, सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है the letter of the word association are written down at random in a row, then the probability that no two s occurs together। तो इस चीज़ की क्या probability होगी कि कोई भी दो s आपके एक साथ नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम इस letter से देखें कि सारे हमारे सामने total number of outcomes कितने बन सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हो जाएंगे आपके सामने total यहाँ पर 8 letter है, so 8 factorial डिवाइड बाई, उसके अंदर आपके सामने एस 4 बार आ रहा है, सो 4 factorial, और साथ में एक वर्ड और रिपीट हो रहा है आपका, दैट इज ए, ए 2 बार आ रहा है, सो देयर विल बी 2 factorial। तो ये तो हो गए इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दो चीज़ें निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस अकर्स टूगेदर, कोई भी दो एस एक साथ नहीं आने चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो पहले बाकियों को अरेंजमेंट्स कर देते हैं, ए ए आई और एन, इन सबको अरेंजमेंट्स कर दो पहले। कितने तरीके से कर सकते हो, 4 factorial by 2 factorial। इसके बाद में इसके बीच में जो गैप बना है वहाँ पर एस को डाल दो, तो आपके सामने क्या होगा, कोई भी दो एस एक साथ नहीं होंगे। क्लियर है? तो कैसे डालेंगे यहाँ पर, तो ये 5 गैप है हमारे सामने, 4 एस है, तो पहले हमें 5 में से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर क्योंकि चारों एस आइडेंटिकल है तो आप या तो कह सकते हो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो, नहीं तो 4 लेटर को 4 factorial तरीके से, और क्योंकि चारों आइडेंटिकल है तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट।
तो यहाँ से हमारे को कितना मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, देखिए 5C4 की वैल्यू होगी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा। देखिए ऊपर आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे से 4 फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा इंटू 2 डिवाइड बाई, नीचे आएगा आपके सामने 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, ऊपर से सिंप्लीफाई किया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल को लिख दिया 24 और डिवाइड बाई नीचे से किया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और रिमेनिंग पार्ट को लिख दिया वापस 4 फैक्टोरियल। क्यों? ताकि ये तो इससे डायरेक्ट कट जाएगा, 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। तो फाइनली सब कुछ कट करके आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/14। तो ये आपकी प्रॉबिलिटी है और ऐसा हमारे सामने कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, जो किससे बनने चाहिए आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, और वर्ड्स कैसे होने चाहिए आपके 3000 से ग्रेटर होने चाहिए। तो देखिए 3000 से ग्रेटर आपके सामने या तो 4 डिजिट का नंबर बन सकता है या 5 डिजिट का बन सकता है और या फिर 6 डिजिट का बन सकता है, ठीक है ना, तीन केस बन सकते हैं और केस हमेशा ऐड होते हैं, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा हमें उसको ऐड करना है। तो पहले वाले केस के अंदर देखिए, सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि आपका नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए, तो इस वाले प्लेस पे आपके सामने या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने किसी भी नंबर के आने के 3 चांस है, ठीक है, इस आगे वाले पे कोई कंडीशन नहीं है। तो और आपके सामने विदाउट रिपीटेशन मीन्स जो अल्फ़ाबेट आपका यहाँ पर आया है वो आपका नेक्स्ट पोजिशन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा तो भी रिमेनिंग 5 बच जाएंगे, सो 5 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखिए 20 × 9 दैट विल बी इक्वल टू 180। क्लियर है? चलिए आगे वाले में बात करते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर टोटल 5, यहाँ पर वापस 0 आ सकता है, तो फिर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 5 × 120 देयर विल बी 600। यहाँ पर भी सेम तरीके से कोई कंडीशन नहीं, बस पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, सो 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो वापस सॉल्व करोगे तो वही सेम आंसर आएगा, क्योंकि सिर्फ 1 का मल्टीप्लीकेशन बढ़ा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1380। और ऐसा ऑप्शन हमारे सामने कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। सो ये ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? सो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं, बाइनोमियल टर्म्स का सम निकालना है हमें, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पूरी बाइनोमियल सीरीज की अगर बात करें, इसकी 26C0 प्लस 26C1 अप टू 26C26, इसका सम कितना होता है, 2 की पावर 26। क्लियर है? अब इसके बाद में देखिए, जो हमारे पास में जो मिडल टर्म होगी 26C13, ठीक है, इसके आगे वाली जो टर्म होगी 26C14, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये 26C12 में कन्वर्ट हो जाएगी, 26C12 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे इसके आगे वाली टर्म 26C11 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये लास्ट वाली टर्म आपकी 26C0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने सारी टर्म्स डबल हो जाएगी, 2 times 26C0 प्लस 26C1 अप टू 26C12 तक, लेकिन ये वाली जो टर्म है आपके सामने ये सिंगल रह जाएगी 26C13। तो अगर मेरे को इसका सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक टर्म और ऐड कर दूंगा मेरी तरफ से, और इस साइड में अगर मैंने ऐड किया तो उस साइड में भी उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 26C13। अब देखिए ये सारी की सारी टर्म डबल हो चुकी है, ठीक है, तो इसको सबको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 26C0 प्लस 26C1 अप टू 26C13 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 26 बन जाएगा 2 की पावर 25 एंड प्लस 1/2 इंटू 26C13।
इसमें देखिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 12 तक का सम पूछा या 13 तक का। देखिए अगर आपको 12 तक का पूछा होता तो हम इस टर्म को सिर्फ उधर लेके चले जाते, ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे माइनस साइन आता। बट क्योंकि फिलहाल हमें 13 तक चाहिए था तो ये सारी टर्म डबल थी, तो इसको डबल करने के लिए इस टर्म को मेरे को दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, और दोनों साइड में जब ऐड करूंगा तो ये सारी टर्म्स डबल हो गई और उधर आपके सामने आ जाएगा 26C13। अब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 25 और ये 1/2 आ जाएगा इसके साथ में, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा क्या है, सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट से, और इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें इतना बताना है कि ये वाली जो डिटर्मिनेंट है ये कौन से वेरिएबल से आपके सामने इंडिपेंडेंट है, मीन्स ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर देखें हम ध्यान से देखें, इसमें और इसमें जो डेटा है वो बिल्कुल सेम है ये वाला, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं R2 के अंदर, R2 - R1। तो जैसे ही हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए ये पहले वाली रो तो आपके सामने एज इट इज रहेगी, X+E और साथ में X+F, और यहाँ पर सब जगह पर आ जाएगा 1, 1, 1, और ये आ जाएगा X+A, X+B और X+C। अब देखिए अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है आगे, तो जब भी किसी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 बन जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम यहाँ से ऑपरेशन लगा करके उनको 0 बनाते हैं। सो C1 में लगा दिया C1 - C2 और C2 में लगा दिया C2 - C3। देखते कितना आ रहा है, देखिए C1 में से C2 को सबट्रैक्ट करोगे तो आएगा D - E, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा E - F, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा A - B, यहाँ पर आ जाएगा B - C, और ये वाली टर्म आपके सामने एज इट इज रहेगी, X+F 1 और X+C। इसके बाद में भी देखिए आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा को इससे पता चल जाएगा जब मैं इस वाली रो के करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करूंगा तो ये पार्ट और ये पार्ट हट जाएगा, यहाँ से 1 आएगा सिर्फ जिसके अंदर कोई वेरिएबल है नहीं, और इधर से देखिए DEBCAB और EF, मीन्स ABCDEF यही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर X कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा ये किससे इंडिपेंडेंट होगा, हमारा X से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरीके से हमारा इसका जो फोर्थ आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसके बाद में भी आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, एक स्टेप में आगे सॉल्व हो जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना ही काम कीजिए, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है, सबसे मेन जो फोकस करना है वो इस पॉइंट पे करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या दिया गया है कि द स्ट्रेट लाइन दिस मेक्स अ कॉर्ड विद द कर्व PX² + 2AXY + QY² = R विच सबटेंड ए राइट एंगल एट ओरिजिन। तो देखिए जब भी किसी कर्व आपको दिया हुआ हो कोई भी, ठीक है, और साथ में अगर आपको ये दे रखा हो कि वहां पर आपको क्या करना है कि ओरिजिन पर राइट एंगल बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस कर्व से जो लाइन दी हुई होती है उस लाइन को होमोजिनाइजेशन करना होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको होमोजिनाइजेशन कर देते हैं तो हमारे सामने इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का समीकरण आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है, और उस इक्वेशन से फिर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री वाली कंडीशन लगाएंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो कैसे करते हैं होमोजिनाइजेशन, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, आपकी जो कर्व की इक्वेशन है उसमें सारी टर्म को डिग्री 2 कर दीजिए, और डिग्री 2 करने के लिए पहली चीज हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है AX + BY, और ये 1 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जहाँ पर भी सेकेंड डिग्री टर्म नहीं है, 2AXY + QY² = R, यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और 1 का मतलब हो गया R into AX + BY² इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा R into A² X² + B² Y² + 2AXY। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से X² और Y² का कोएफिशिएंट निकाल करके उसको जीरो करना है। तो देखिए X² का कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, P यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा R - A², सो P - R A², ठीक है, प्लस Y² का कोएफिशिएंट आएगा Q - RB²
और ये क्या होना चाहिए, ये जीरो हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री की कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उनका सम क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्लियर है? तो इसको जब जीरो करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू, आर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हमारा जो भी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और ऐसा आई थिंक हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, और क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग याद करें, अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल की इक्वेशन लिख करके दोनों पॉइंट्स पर T1 और T2 पर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला जो पैराबोला है उसके लिए सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2a प्लस a टाइम T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और साथ में ही इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा आपका, ठीक है, वो कितना आएगा, देखिए y कोऑर्डिनेट आएगा हमारा माइनस ए T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। बस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया है कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ठीक है, तो इसको h मान लेते हैं और इसको k मान लेते हैं, और साथ में हमें ये भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, तो फोकल कॉर्ड है मीन्स ये वाली जो लाइन है ये आपकी फोकल कॉर्ड है, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होता है, T1 T2 विल बी इक्वल टू -1, इस चीज़ का हमें क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। तो देखिए जब T1 T2 को -1 पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा K विल बी इक्वल टू A टाइम T1 प्लस T2, तो यहाँ से आपको T1 प्लस T2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू K बाई A, ठीक है। और ये T1 प्लस T2 की वैल्यू हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए किस तरीके से करते हैं। तो देखिए h की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, यहाँ पर h विल बी इक्वल टू है 2a प्लस a टाइम T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, तो इसको मैंने परफेक्ट बना दिया, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और साथ में आएगा माइनस 2 T1 T2 एंड प्लस T1 T2, ये बन जाएगा आपके सामने माइनस T1 T2, क्या बनेगा माइनस T1 T2। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है, एक्स विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 2a प्लस a, T1 प्लस T2 की वैल्यू लिखिए यहाँ से k बाई a, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस T1 T2 बन जाएगा आपका प्लस 1। तो देखिए कितना आ रहा है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस वाई स्क्वायर बाई a, और साथ में आएगा a यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के a, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने a टाइम x माइनस 3a। ऐसा जो भी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड। इस क्वेश्चन के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। जिनको ये नहीं पता है वो लोग क्या कर सकते हैं, वैसे तो पहला चांस यही दीजिए कि सबको याद होना चाहिए, बट जिनको याद नहीं है वो T1 पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखें, T2 पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखें, और दोनों को सोल्व करें और पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, और क्या बोला गया है कि दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो देखिए 3 वेक्टर्स जब कोप्लेनर होते हैं तो क्या कंडीशन लगती है हमारी, जब भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो हमें इनकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो जीरो करनी होती है। तो यहाँ से मिलेगा a11, साथ में यहाँ से आएगा 1b1, और यहाँ से आएगा आपके सामने 1c, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या करना है, जीरो करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करके इस फॉर्मेट में आने के लिए आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर वैल्यूज वगैरह निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इसको अच्छे सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो उतना इजी नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसी टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसी टर्म्स कैसे बनेगी, तो बहुत इजीली बन जाएगी। देखिए आप रो या कॉलम में कहीं पर भी एक ऑपरेशन लगा दीजिए, जैसे R1 में लगा रहा हूँ मैं,
या आप सी वन में लगा सकते हो, सी वन विल बी इक्वल टू सी वन माइनस सी टू, और सी टू में लगा दिया सी टू माइनस सी थ्री। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे सामने a माइनस वन, यहाँ पर वन माइनस बी, और ये बन गया जीरो। साथ में ही यहाँ पर आएगा जीरो, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस सी, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा वन वन सी। अब आप इसको सोल्व करें तो देखिए आपका काम इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे सामने ऐसी टर्म बन गई जैसी हमें यहाँ पर चाहिए, वन माइनस ए, वन माइनस बी और वन माइनस सी टाइप की। तो देखिए इस जब अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस वन, और a माइनस वन के साथ में कितना आएगा, देखिए इसको इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा आपके सामने, अच्छा यहाँ पर c है, देखिए c इंटू बी माइनस वन, सो ये बनेगा c इंटू बी माइनस वन, और साथ में इधर से बनेगा आपके सामने माइनस वन माइनस सी, और साथ में देखिए दूसरी वाली टर्म तो जीरो हो गई पूरी, और तीसरी वाली टर्म से आएगा वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी, तो यहाँ से मिलेगा आपको वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी, ठीक है। तो ऐसा हमारे सामने क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा। अब देखते हैं देखिए इसको आगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस सी, ठीक है ना, ऐसी टर्म आ रही है सब जगह पे, तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ए वन माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस वन, सबसे पहले तो हम इसको वन माइनस ए का फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस ए, एक माइनस साइन आएगा उसको बाहर रखा, यहाँ पर भी आएगा एक माइनस साइन सी वन माइनस बी, ये वन माइनस सी का फॉर्मेट है डायरेक्ट, और यहाँ पर वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी का फॉर्मेट है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब इसको डिवाइड कर देते वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस सी, तो देखिए क्या आएगा, वन माइनस ए और वन माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस सी इंटू वन माइनस सी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस सी, वन माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस बी, और यहाँ पर भी दोनों टर्म कट जाएगी, तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस ए विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए बाकी तो सारी टर्म बन चुकी है, लेकिन जो पहले वाली जो टर्म है आपके सामने, ठीक है, वो वन अपॉन वन माइनस सी का फॉर्मेट है, जबकि यहाँ पर सी अपॉन वन माइनस सी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेकर के आएंगे, तो एक सिंपल सा काम कीजिए, इसमें से माइनस वन और प्लस वन कर दीजिए, तो माइनस वन वन वाली टर्म होगी वो बन जाएगी माइनस वन, और ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस सी प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस ए विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो वन आ जाएगा, और इस तरीके से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, और इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देन द लोकस ऑफ जेड विल बी, देखिए ये हो गया है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का लोकस बताना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या है ये, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आई है, इस आई को यहाँ से गायब करते हैं, तो आई को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो आई का मॉडुलस इंटू जेड माइनस वन अपॉन आई का मॉडुलस प्लस जेड माइनस आई का मॉडुलस विल बी इक्वल टू टू। आई का मॉडुलस वन होता है तो ये बन जाएगा जेड, इसको रेशनलाइज कर दिया तो ये बन जाएगा प्लस आई प्लस जेड माइनस आई विल बी इक्वल टू टू। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, जेड आपके सामने क्या है, कोई भी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और उसकी दो पॉइंट्स, एक है आपका पॉइंट माइनस वन कॉमा जीरो, जो पहले वाला रिप्रेजेंट करता है वो माइनस वन कॉमा जीरो को, और जो दूसरे वाला जो पॉइंट है वो है वन कॉमा जीरो को, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका जेड, और ये क्या होते हैं, ऐसा जब डायग्राम बनाते हैं तो हम ये इनको एस और एस डैश लिखते हैं, ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये यहाँ पर आपके सामने जो फोकस होता है, ठीक है, उनका काम करता है, क्लियर। अब हमें इसको चेक करने के लिए, लोकस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, और इसका मीनिंग ये हो गया आपके सामने, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, दिस विल बी, अगर मैं इस पॉइंट को पी नाम दे दूँ तो ये सब, इसका मीनिंग ये हो गया पी एस प्लस पी एस डेस, जो कि हमारे सामने इलिप्स के अंदर एक कंडीशन होती है कि पी एस प्लस पी एस डेस जो होता है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है, टू ए के इक्वल होता है, दैट मीन्स ये जो लेंथ है आपके सामने ये टू ए को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है, और एस एस डेस जो है वो नाभियों के बीच की दूरी, फोकस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो एस एस डेस की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है आपके सामने टू,
और इसका सम भी आपको 2 दे रखा है, पी एस प्लस पी एस डैश, तो ये भी 2 है और फोकस के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 2 है। तो इस केस के अंदर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर जाता है, इस केस के अंदर ये जो पॉइंट पी होगा वो आपके इलिप्स के ऊपर नहीं होगा, ये आपके सामने ये जो एस और एस डैश के बीच के जो पॉइंट्स है इन सब के ऊपर होता है। ठीक है, हम ऐसी 3 कंडीशन पढ़ते हैं, अगर एस एस डैश के इक्वल आ जाता है तो एस और एस डैश वाली लाइन जॉइनिंग वाले जो आपके सामने स्ट्रेट लाइन होगी उसके लाइन सेगमेंट पे होगा, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, ये सिर्फ इन दोनों के बीच में ही होगा। और अगर इसकी वैल्यू आपके सामने ज्यादा आ जाती है पी एस प्लस पी एस डैश की इससे, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और अदरवाइज आपके सामने एम्प्टी सेट आ जाता है। तो यहाँ पर इस केस में क्योंकि सेम आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3D से, और 3D के अंदर देखिए आपको क्या पूछा गया है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द लाइन दिस एंड दिस। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको किसी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर एक प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर ये दोनों लाइन्स आपकी प्रजेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए ये दोनों लाइन्स प्रजेंट है, दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है हमारे सामने 5, 7 और -3, ये भी इसी प्लेन पे होगा। इस वाली लाइन पे जो पॉइंट है, क्योंकि ये जो प्लेन है इन लाइन को कंटेन कर रहा है, मीन्स ये जो लाइन्स है पूरी की पूरी इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। और इसका मतलब देखिए मैंने ऐसा बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लेन यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा आपका चारों तरफ, तो लाइन पूरी की पूरी उसके साथ में आगे चलती रहेगी। ऐसे दूसरे वाले पे है आपके सामने यहाँ पर 8, 4 और 5। ठीक है, साथ में ही आपको ये जो नीचे दिए हुए होते हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर यहाँ पर दे रखा है आपको 4, 4 -5 उसके डायरेक्शन रेशियोज है, और एक इधर आपके इसकी लाइन की डायरेक्शन में जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 7, 1, 3, और यहाँ पर है आपके सामने 4, 4 और -5। तो देखिए आपको एक ही प्लेन के ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स पता है, तो जब कभी भी आपको एक प्लेन के अंदर अगर 3 वेक्टर पता होते हैं तो हमें क्या करना होता है, उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 कर देना होता है। अब लेकिन क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो हमें एक एक्स वाई जेड वाला पॉइंट भी लेना है, तो एक पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई जेड और उसको किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, तो 2 वेक्टर्स तो आपको दे रखे हैं और एक वेक्टर आप खुद बना लीजिए। ठीक है, तो इसको जब बनाओगे तो वापस आपके सामने यही आएगा जो ऊपर हमने लिखा है, x -5, y -7 और z +3, और साथ में इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है 4, 4 -5 और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है 7, 1 और 3। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इससे जो आंसर आएगा वही आपकी प्लेन की इक्वेशन होगी। क्लियर है, और इसको आप देखिए बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन सबको आता है। तो देखिए कितना आएगा, 12 + 5 देयर विल बी 17 इंटू x -5, फिर माइनस साइन यहाँ पर इसके साथ में करेंगे तो y -7 और यहाँ से आएगा आपके सामने 12 + 35। ठीक है, और 12 + 35 कितना होता है 47, सो माइनस का 47 y -7 और साथ में लास्ट वाले टर्म में आएगा 4 - 28, ये हो जाएगा -24 इंटू इसके साथ में है मेरे पास z + 3 विल बी 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 17x - 47y - 24z, पहले तो यही टर्म देख लीजिए किस किस के अंदर आ रही है, तो आई थिंक ऐसा आपके एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर पहली टर्म पॉजिटिव और बाकी 2 नेगेटिव हो, तो आपको और तीस वैसे ही कॉन्स्टेंट टर्म सब में सेम दे रखी है, तो उसको आप कैलकुलेट मत कीजिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, सीधा लिख दीजिए 172 क्योंकि वो आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा हमारे सामने पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफरेंशिएशन से है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, देखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देख करके हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ये तो हम 100% सही कर देंगे, और ऐसी जगह पर हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसमें देखिए एक्स और वाई की टर्म आपके सामने एक साथ में दी हुई है और आपको डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो ध्यान से करना है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो सबसे पहले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें x को अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1 बनेगा प्लस y विल बी इक्वल टू 2। ठीक है ना, x को जब 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म 1 और यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ y बचेगा और इक्वल टू 2। तो जब आप x की वैल्यू 0 है
तो उस केस में आपके सामने y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसी के साथ अब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले वाली टर्म को एज इट इज रखा e टू दी पावर एक्स वाई, ठीक है, और इसको डेरिवेटिव किया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, लेकिन एक्स वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का करेंगे तो आएगा y, और प्लस y का करेंगे तो आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैं y डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, y डैश का मतलब क्या है, dy वाई बाई डी एक्स, प्लस y का करेंगे तो अगेन y डैश cos x, और साथ में आएगा हमारे सामने जब cos x का करेंगे तो माइनस का y sin x, और दैट विल बी इक्वल टू जब 2 का करोगे तो आएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो देखिए क्या आएगा, जब x को आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x को 0 पुट करने से पहले वाली टर्म 1 बन जाएगी, x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म y रहेगी, आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये बन जाएगा आपके सामने y डैश, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये 0 बन जाएगा, और y की वैल्यू भी हमें पता है दैट विल बी 1। ठीक है, तो उसको पुट कर देंगे और इक्वल टू में हमारे पास में कितना है 0, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस वाई, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें y डैश की वैल्यू मिल गई, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं और देखते हैं कि y डबल डैश कितना आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले e की पावर एक्स वाई का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिए वापस यही टर्म आएगी, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म आनी है आपके सामने वापस डिफ्रेंशिएशन में। अब सेकेंड वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए पहले वाली टर्म कॉन्स्टेंट रहेगी, y का डिफ्रेंशिएशन होगा आपके सामने y डैश, x का करोगे तो 1 वापस y डैश, और प्लस x इंटू y डबल डैश, ये हमने पहली टर्म का डिफ्रेंशिएशन हुआ है अभी। अब इसका करते हैं, देखिए इसमें भी दो टर्म आएगी आपके सामने, y डबल डैश इंटू cos x, और साथ में आएगा आपके सामने माइनस का y डैश sin x। आगे चलते हैं, y का करेंगे तो आएगा माइनस का y डैश sin x, और sin x का करेंगे तो आएगा हमारे सामने माइनस का y, और sin x का होता है cos x will be equal to 0। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है जो हमारे सामने ऊपर आई है, तो देखते हैं कितना आएगा। देखिए ये टर्म बन जाएगी 1, y की वैल्यू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x 0 है, प्लस ये टर्म भी 1, यहाँ पर y डैश की वैल्यू हमें माइनस 1 दे रखी है, सो दैट विल बी माइनस 2, और ये टर्म फिर से क्या बन गई हमारे सामने 0। आगे आते हैं, y डबल डैश एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, cos x, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, दैट एंड दैट विल बी 0, माइनस 0 माइनस 0, और लास्ट में वापस y की वैल्यू कितनी 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस 1 से ये प्लस 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 प्लस y डबल डैश विल बी 0। तो फाइनली जो y डबल डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा। देखिए डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर गलती कर दी तो इतने सिंपल क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मीन्स आपके जो आने चाहिए थे वो मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं आ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया है कि इस फंक्शन देन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, इसकी सारी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपने इस x की जगह पर f ऑफ x पुट कर रखा है, ठीक है, इसमें अगर मैं x को f ऑफ x से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, और x को f ऑफ x से रिप्रेजेंट करने से ये आ रही है, दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो f ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और क्या आ रही है देखिए f ऑफ x एफ एक्स की वैल्यू, तो ये बन जाएगा f ऑफ एफ एक्स दैट विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, तो देखिए जब भी आपके सामने इनइक्वालिटी आ गई फंक्शन के अंदर, ठीक है, और आपको ये देखना है कि अगर f ऑफ एफ एक्स ये, तो एफ एक्स और 1 माइनस 5x में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि f वाला जो फंक्शन है उसकी मोनोटोनिसिटी क्या है। तो चलिए हम इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें मिलेगा f डैश विल बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर।
जो कि हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा, मीन्स एफ डैश हमेशा लेस देन जीरो होगा, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है एफ। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके सामने मोनोटोनिसिटी की हेल्प से ये कंडीशन आ गई। अब आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, दैट विल बी 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब विल बी लेस देन 1 माइनस 5x। 1 से 1 कट जाएगा, सारी टर्म को इधर ले आए तो आएगा एक्स क्यूब माइनस, ये इधर आके बनेगा 4x विल बी ग्रेटर देन 0। आपको देखना है कि ये कब 0 से बड़ा होगा। इसको फैक्टराइज कर लिया, x कॉमन, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0। ये कब जीरो से बड़ा होगा देखते हैं, नंबर लाइन पे पुट करते हैं। तो देखिए तीन नंबर्स है हमारे सामने, पहला नंबर है माइनस टू, फिर है जीरो और फिर है टू। इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर ये क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो माइनस टू से जीरो, यूनियन टू से इन्फिनिटी, और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, माइनस टू से जीरो, यूनियन टू से इन्फिनिटी, ऐसा हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। देखिए अच्छा मिक्सर है आपका कैलकुलस का, ठीक है ना। यहाँ पर आपके एओडी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका फंक्शन लग रहा है, यहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी लग रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, ठीक है। साइन 2x प्लस 2 कोस x, 0 से 2 पाई हमें इंटरवल दे रखा है, तो देखते कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो इसको डिफरेंशिएशन किया, f डैश कितना आएगा हमारे सामने, f डैश आ जाएगा साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम cos 2x, और साथ में आएगा माइनस का 2 sin x, ठीक है। आगे देखा हमने, अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरी टर्म को, तो 2 को कॉमन ले लिया, कॉस 2x हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। इसमें से माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा एफ डैश विल बी इक्वल टू माइनस 2 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है ना। साइन एक्स को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, सो माइनस का 2, ये बनेगा आपका 2s माइनस 1 इंटू एस माइनस 1, 2s स्क्वायर माइनस 2s, तो ये प्लस होना चाहिए, माइनस एस प्लस 1 विल बी 0। तो ये आ गया हमारे सामने फाइनल पॉइंट। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू या तो 1/2 होगी और या माइनस 1 होगी। तो देखिए इस वाले फैक्टर को तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन एक्स आपका माइनस वन से वन के बीच में होता है, और वन ऐड करेंगे तो ये जीरो से टू के बीच में होगा हमेशा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स वो आपके सामने कुछ ही पॉइंट्स पे आएगा और बाकी जगह पे पॉजिटिव है, मीन्स ये वाला फैक्टर तो हमेशा ही आपका पॉजिटिव रहेगा, तो इसको आपको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आपकी जीरो से टू पाई में दो बार होगी, एक बार होगी आपकी पाई पाई सिक्स पर और एक बार होगी आपकी फाइव पाई पाई सिक्स पर। अब आपको यह देखना है कि यह कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है हमारा वो होता है जीरो से टू पाई में ऐसा, और साइन एक्स की वैल्यू 1/2 मतलब ये हो गई, तो पाई पाई सिक्स से और फाइव पाई पाई सिक्स के ऊपर तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें इस वाले इंटरवल में तो पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सब में क्योंकि 1/2 वाली लाइन से नीचे तो वहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है आपका ये इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, तो बाहर माइनस साइन है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसके आगे वाले इंटरवल पे ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके पहले भी ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे सामने सिनारियो बनेगा। अब हम देखिए इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू फाइव पाई पाई सिक्स। तो देखिए मैक्सिमा के लिए आपकी टेंजेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है या पॉजिटिव टू नेगेटिव में,
तो सिंपल सा तरीका होता है, मैक्सिमा के लिए आपको ऐसा ग्राफ बनेगा, और ऐसे ग्राफ में इधर तो स्लोप पॉजिटिव रहेगी, इधर नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये इंक्लाइनेशन 90 से कम है, इसका 90 से ज़्यादा है। तो मैक्सिमा पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से डायग्राम बना के देख सकते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा नहीं, यहाँ तो लोकल मिनिमा आएगा, क्योंकि मैक्सिमा में प्लस से माइनस में कन्वर्ट होना चाहिए था। मिनिमा की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मिनिमा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है नो पॉइंट एक्सट्रीम, तो पॉइंट तो आ रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लेकिन उल्टे आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब सही तो यही होना है, और वैसे आप चेक कर सकते हो कि 3π/2 पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद में ये आपके सामने वापस 2π+π/6 तक पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, बीच में एक 3π/2 पॉइंट आएगा जहाँ पर ये जीरो हो गया f(x), ठीक है, लेकिन जीरो से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा साइन कन्वर्ट नहीं होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव में, क्लियर है। तो इसलिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है, यहाँ पर आप f' के बाद में f"x निकाल करके और उसमें पॉइंट पुट करके चेक कर सकते थे, ठीक है। अगर f"' की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आ रही है तो आपके पास में क्या आएगा, मिनिमा आएगा। बट मेरे हिसाब से ये सफिशेंट वे है, ठीक है, और इस तरीके से भी आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर से, और हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा और सीधा कर दिया कि ये तो 2/3 है, इसमें भी 2/3 प्लस, ये भी दोनों छोटे नंबर, तो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना, सब जीरो नहीं होंगे। सबसे पहले तो सबका बेस सेम करते हैं, देखिए 3 है यहाँ पर, 99 है, तो इसको ऊपर नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 33 से, तो ये पहली टर्म बन गई 66/99, ठीक है। दूसरी वाली टर्म के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 2+66/99, ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने 66 हो जाएगा, अच्छा 2 नहीं 1, ठीक है ना, 66+1/99, फिर आगे वाली टर्म में आएगा 66+2/99, और ऐसे चलता रहेगा। ऐसे देखिए एक टर्म बीच में आपके सामने ऐसी आएगी जब ये 66+33 बनेगा डिवाइड बाय 99, और ऐसे चलते चलते लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास में लास्ट टर्म बनेगी 66+98 डिवाइड बाय 99। तो देखिए ये वाली टर्म जीरो हो रही है, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन इस वाली टर्म की वैल्यू 1 आएगी, क्यों, 99/99 1 हो जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। अब इसके आगे वाले में आप 34 ऐड करेंगे, तो क्योंकि वो भी आपके सामने 100/99 1 पॉइंट समथिंग, उसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है, और ऐसे चलते चलते इस वाली टर्म को भी अगर आप चेक करें तो ये देखिए 99 और ऊपर जो नंबर है वो आपका इसके डबल से कम है, दैट मीन्स ये नंबर भी 1 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स ये भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनिशियली कुछ टर्म्स जीरो आ रही है और आगे वाली कुछ टर्म्स हमारे सामने 1 आ रही है। अब ये 1 कितनी बार आएगा, तो ये आपका 98 लास्ट टर्म है, और इसके जस्ट पहले वाली टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी 32, ठीक है ना, तो इतनी बार आपके सामने क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आ गया आपका 66 टाइम, और इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 66। इसमें आपको गलती नहीं करनी, आप गलती क्या कर सकते हो, क्योंकि देखिए दो ऑप्शन आसपास में है, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 98 में से 33 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो 33 को सबट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म भी सबट्रैक्ट हो जाएगी, बट इसको तो हमें रखना है, इसको सबट्रैक्ट नहीं करना है, सबट्रैक्ट इसके पहले वाली टर्म होगी, या आप चाहे तो इसको एक एपी बना करके एपी से चेक कर सकते हैं कि 33+34 अप टू 98, इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर दिखाई देगा, और वो उसका आंसर आएगा 66। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट से है, और कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसमें पुट करें x इक्वल टू 0 तो ऊपर बनेगा cos 0 1 1 इंटू पाई इज पाई, और sin पाई की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 0, ठीक है, 0 डिवाइड बाई 0 अगर आता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर LH रूल का यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए बात करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन किया cos,
पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पाई रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा हमारे सामने 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, देखिए पाई को बाहर ले आए, माइनस साइन को भी बाहर ले आए, तो माइनस का पाई और ये देखिए पूरी जो जितनी भी टर्म्स है ना ये पूरे के प्रोडक्ट के अंदर है, ठीक। और प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी टर्म आपके सामने अगर एक नॉन जीरो नंबर बनती है तो उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो लिमिट में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर पूरे फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी एक टर्म ऐसी बन रही है जो नॉन जीरो बन रही है तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसमें आप मल्टीप्ली उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो कॉस जीरो वन एंड कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होगी, तो ये वापस बन जाएगा आपका पाई। आगे बात करते हैं इधर, यहाँ पर ये कितना बनेगा, इसके अंदर अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा, माइनस साइन को हम बाहर ले चुके हैं तो ये बन जाएगा आपका साइन टू एक्स और डिवाइड बाय नीचे भी आपके सामने कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। साइन 2x अपॉन 2x की लिमिट आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट कर सकते हो, दैट विल बी पाई इंटू वन, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसमें अब आपको वापस LHS रूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी पाई, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लिमिट से, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा कंटिन्यूटी का, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है देखिए, आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये दे रखा है आपको कि पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो कंटिन्यूअस होगा तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों सेम होनी चाहिए, तो आपको वैल्यू दे रखी है पाई बाई टू, तो यहाँ से हम LHL के इक्वल करते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं ए कितना आ रहा है। तो ए इसकी लिमिट निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, और पहला फंक्शन, और पहला फंक्शन है वन माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखते कितना आएगा, इसको सॉल्व किया तो इसमें पुट करके देखा तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो अगेन LHS रूल यूज किया, सो जीरो माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई सिक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ए विल बी इक्वल टू। इसको सॉल्व किया तो देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, एक साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, और एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, सो वन बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है तो दैट विल बी इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू हमारी 1 बाई टू आएगी। अब देखिए कई बार इतने से ही हमारा काम चल जाता है, हमें यही से पता चल जाएगा कि हमारा ये आंसर सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट को निकाल करके उसको ए के इक्वल करेंगे, ठीक है, और वही जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो वापस आपको LHS रूल ही यूज करना है, और जैसे यूज करेंगे आपको बी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। बट क्योंकि देखिए आपका काम इससे हो गया है, आपको 1 बाई टू एक ही ऑप्शन दे रखा है और आप दोबारा चेक कर लिया आपने कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा और इस तरीके से आपको आगे वाले पार्ट को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको दे रखा है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2005 डिवाइड बाई कॉस टू दी पावर 2005 एक्स। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अगर हमें इस इंटीग्रेशन को करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके किससे होते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगाना होता है और उससे ही से आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है। तो आप इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, पहले पार्ट को नाम दे दीजिए आई वन, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को, और दूसरे वाले पार्ट को नाम दे दीजिए आई टू, ठीक है, और I1 को सॉल्व करते हैं और फिर उसके अंदर में से I2 सबट्रैक्ट कर देंगे, देखते हैं कितना आएगा। तो चलिए बात करते हैं, कोसेक स्क्वायर x और कॉस की पावर 2005x, तो इसको ऊपर ले आए माइनस का 2005x इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू dx,
इसको नाम दे दिया पहला फंक्शन, इसको नाम दे दिया दूसरा फंक्शन। किसको फर्स्ट सेकंड लेते हैं? सिंपल सी बात होती है, जिसका इंटीग्रेशन आपको इजीली आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन लेना है, और डिफ्रेंशिएशन तो आप किसी का भी कर सकते हो, उसको पहला फंक्शन ले लिया। क्या तरीका रहता है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन? सो माइनस का कोट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस का कोट एक्स, इसको वापस नीचे ले आए, कॉस टू पावर 2005x माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये प्लस हो जाएगा 2005, और इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो माइनस 2005 माइनस 1, सो दैट विल बी कॉस टू द पावर 2006 इंटू एक्स, और साथ में करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो वो आ जाएगा आपका माइनस का फिर से कॉट एक्स। ठीक है, एक माइनस साइन वहां से आएगा, एक माइनस साइन आपका यहां से आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहां पर अभी हमने सिर्फ पावर का डिफ्रेंशिएशन किया है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? माइनस का साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ये हमारा पूरा पार्ट सॉल्व हो गया है। इस वाले पार्ट को वापस सिंप्लीफाई करें तो कोट को लिख सकते हो, देखो कॉस अपॉन साइन, ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा और नीचे कॉस की एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बनेगा वापस आपका माइनस माइनस तो प्लस ही रहेगा, 2005 डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 2005 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये कहाँ चला गया? तो कॉट एक्स को लिख दिया हमने, कॉस एक्स बाई साइन एक्स और इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और कॉस एक्स की एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर पावर 1 है और नीचे 2006 है, तो वापस 2005 हो जाएगी। और ध्यान से देखो, यही आपका आई टू है, तो इसको आप आई टू लिख सकते हो, और इधर था आपका आई वन, और ये टर्म आपके सामने एज इट इज माइनस का कॉट एक्स डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 2005x। तो आपको आई वन माइनस आई टू पूछा है, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस का कॉट एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 2005 प्लस सी। ठीक है, तो बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाइए, ठीक है, एक बार जैसे ही लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक से। कंसीडर द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दे रखा है कि ए विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स है तो ए की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी नहीं हो सकती, तो आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सी आ रही है। तो देखिए इंटीग्रल वैल्यूज पुट कीजिए, ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 आ जाएगी, मीन्स पहले वाली तो आ सकती है आपके सामने। इसकी वैल्यू 2 पुट की तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगी, मीन्स दूसरी भी आ सकती है। 3 पुट की तो 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 12, चौथी वाली भी आ सकती है। तो पहली दूसरी और चौथी तो आ रही है, तो सीधी सी बात है कि तीसरी नहीं आएगी। फिर भी चलिए किसी को कन्फर्मेशन के लिए अगर देखना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके जब आप रूट्स निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 1 माइनस प्लस माइनस रूट 33 बाई 2। तो दिखाई दे रहे हैं कि इसके इंटीजर रूट नहीं आएंगे, तो और कन्फर्मेशन होगा कि हाँ थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही है। ठीक है, तो इसको ऐसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया से, देखते कितना आएगा। एरिया बाउंडेड बाई दी कर्व दिस एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इस कर्व का और इस कर्व से बाउंडेड एरिया आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है आपके सामने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मींस ऐसा होगा एक्स इक्वल टू जीरो इसका रूट है, और दूसरी है वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो यहाँ से पास करती है हमें पता है, तो इन दोनों से जो बाउंडेड जो एरिया होगा वो ये आएगा। एक कर्व पूरा ऊपर है, दूसरा कर्व पूरा नीचे है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन साथ में हमें इसकी लिमिट चाहिए, तो इसकी लोअर लिमिट तो x की जीरो होगी, बट ये वाली वैल्यू कितनी होगी ये अभी हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि माइनस एक्स इसके इक्वल कब होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 3x विल बी इक्वल टू जीरो, तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी 0 एंड 3। तो एक तो देखिए यही पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, और दूसरा पॉइंट आएगा आपका 3, तो इसको आप क्या कर दीजिए 0 से 3 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2x plus x 3x हो गया, सो दैट विल बी 3x square by 2 minus x cube by 3 एंड
लिमिट लगानी है आपको 0 से लेके 3 तक। 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा, तो 3 पुट कर देते हैं, 27/2 माइनस 27/3। 27 को कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे 3 - 2 डिवाइड बाई 2 × 3, तो एक 3 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 9 × 1 डिवाइड बाई 2, मीन्स आपका जो आंसर सही आंसर होगा दैट विल बी 9/2। सो 9/2 आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से, और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड आपको जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करना है और देखना है कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले देखिए वाई स्क्वायर है और यहाँ पर है 2y × dy/dx, ठीक है ना, 2y × dy/dx और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को टी मानिए और इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि ये क्रम वहाँ से गायब हो जाए, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने साइन एक्स इंटू dt/dx, इस वाली टर्म को इधर ले आए तो वाई स्क्वायर बन जाएगा आपके सामने कॉस एक्स इंटू टी और इक्वल टू में जो है उसको एज इट इज रखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन पहले साइन एक्स से डिवाइड कर दें इसको। सो dt/dx प्लस कॉट एक्स इंटू टी विल बी इक्वल टू, एक साइन एक्स कट जाएगा हमारा तो हमारे सामने आएगा 2 × cos x। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सबसे पहले निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा cot x into dx का, पता होगा सबको फॉर्मूला e to the power ln sin x, e कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी sin x। इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो t × sin x विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे सामने 2 × sin x × cos x। sin x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो वापस sin x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin x को p मानते हैं क्योंकि हमें cos x भी देखा है साथ में, चाहो तो sin 2x भी बना सकते हो बट ऐसे ही कर लेते हैं, cos x into dx आ जाएगा dp, तो ये बन जाएगा आपका 2 × p × dp, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका p² / 2, तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस c। p की वैल्यू वापस पुट करते हैं तो हमें मिलेगा देखिए t × sin x विल बी इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है sin x, सो sin² x एंड प्लस c। t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t हमने किसको माना था y स्क्वायर को, सो y स्क्वायर इंटू साइन एक्स विल बी इक्वल टू sin² x प्लस c। अब हमें c की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखिए उसके लिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जब x π/2 है तो y 1 है, तो ये भी 1 बनेगा ये भी 1 बनेगा, तो 1 कट जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फाइनली आपका आंसर आएगा y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक साइन एक्स कट जाएगा सो दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि c आपका क्या हो गया है 0 हो गया है। और इस तरीके से अगेन हमारा जो पहला आंसर है इसका वो क्या है, सही आंसर है। क्लियर है बच्चों, तो ये आपके जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने जो इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका इंटीग्रेशन से है वापिस, ठीक है, और साथ में देखिए क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ में इसमें लेमनेज भी लगेगी क्योंकि आपको लिमिट के अंदर वेरिएबल टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे सामने f′x विल बी इक्वल टू, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन लेमनीज से, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/(1 + gx³)³, और साथ में gx का डिफरेंशिएशन करेंगे सो दैट इज g′x, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, आपको लिमिट को इसमें पुट करना होता है और फिर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना होता है, माइनस नीचे वाला भी आता है लेकिन जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होगा तो पहले वाला पार्ट हो चुका है। ऐसे ही दूसरे वाले को करेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो आया g′x और दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने कितना, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 + sin × cos x, पुट करेंगे तो cos²x,
ये तो हमने पुट कर दी लिमिट को, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है f डैश ऑफ पाई पाई 2, तो यहां पर आएगा g डैश ऑफ पाई पाई 2। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं g डैश ऑफ पाई पाई 2 कितना आएगा, तो g डैश ऑफ पाई पाई 2 आ जाएगा आपका 1। यहां पर पाई पाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई पाई 2 कितना होता है 0, और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और यहां पर पाई पाई 2 पुट करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो इसी के साथ इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1। तो ऊपर से ये आंसर तो हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, ठीक है। दूसरी जगह पर आपको क्या दे रखा है, नीचे आ रहा है 1 प्लस जी क्यूब एक्स, तो यहां पर एक्स पुट करेंगे तो जी पाई पाई 2 बनेगा, और जी पाई पाई 2 की वैल्यू यहां से आएगी। तो देखिए जब इसमें पाई पाई 2 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है तो वहां से उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। तो इस तरीके से जी पाई पाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म बन जाएगी हमारी 0, 1 प्लस 0, और इधर भी हमने पाई पाई 2 पुट किया था एफ डैश पाई पाई 2। ये आपको दे रखा है माइनस 3 बाई लेमडा, और इक्वल टू में है हमारे सामने माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और लेमडा की वैल्यू 3 है तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 0, 3 से आप इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे अपनी ओएमआर शीट के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 0, 3 नहीं, इसके अंदर आपको 4 डिजिट में आंसर देना है, सो 0, 0, 0, 3 आप लिखेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें इंस्ट्रक्शन को, और उसके हिसाब से क्या करें अपना आंसर दें। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए ये दे रखा है, और एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, तो नंबर ऑफ सच मैट्रिक्सेज ए बतानी है आपको कितनी पॉसिबल होगी। तो चलिए बात करते हैं, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो इसमें देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले आपकी, एक ये होता है आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और एन होता है यहाँ पर इसका ऑर्डर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 का दे रखा है, तो एन की वैल्यू 3 है, तो ये बनेगा 3 - 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, और ये दे रखा है आपको 2^8 × 3^4। तो यहाँ से आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2^2 × 3, दैट विल बी इक्वल टू 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखिए कितना आएगा, 4 - 3 दैट इज एक्स माइनस वाई, यहाँ से 2 - 3 - 1, तो ये भी प्लस वाई बन जाएगा, माइनस जेड 1 - 2 - 1, तो ये भी प्लस जेड, और दैट विल बी इक्वल टू 12। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 12, और एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट विल बी इक्वल टू 11C2, ठीक है। ये इस इक्वेशन के पीएनसी में पढ़ते हैं हम ये फॉर्मूला, 11 × 10/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 55। तो इसके आंसर को आप 55 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0055, और ये इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए इसका जो फॉर्मूला है ये याद रखिए, नेचुरल नंबर अगर निकालने हो तो क्या होता है, n माइनस वन, अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एन, अगर नेचुरल नंबर है तो इसका फॉर्मूला लगेगा ये, और अगर आपके सामने होल नंबर है तो इसमें r और एड हो जाएगा, ठीक है। ये होता है होल नंबर के लिए, और ये होता है आपका नेचुरल नंबर के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है कि के कितना होगा। तो के निकालने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो पहली वाली टर्म है हमारे सामने 3x - x² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x² - 3x + 2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आएगा आपका, इसके फैक्टर कर लिए x - 2, ठीक है, तो 1 से लेकर के 2 के बीच में आ रहा है,
ठीक है, तो आपका जो x होगा वो 1 से लेकर के 2 के बीच में है, लेकिन क्योंकि इस x को मेरे को साइन इनवर्स में पुट करना है, तो साइन इनवर्स के अंदर तो आपका मैक्सिमम आंसर जा सकता है -1 से लेके 1 के बीच, मीन्स यहाँ से जो आपकी x की जो पॉसिबल वैल्यू हो वो सिर्फ एक ही हो सकती है, दैट विल बी 1। और x इक्वल टू 1 पर आपकी पहली वाली टर्म भी साइन इनवर्स 1 बनेगी, दूसरी वाली टर्म भी साइन इनवर्स 1, और ऐसे लास्ट टर्म भी आपकी चलते चलते साइन इनवर्स 1 आएगी। ठीक है, सारी टर्म साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1 होता है आपका पाई पाई 2, और आपके सामने ऐसी टोटल कितनी टर्म्स आ रही है, टोटल 10 टर्म्स आ रही है, तो ये बन जाएगा 10 टाइम पाई पाई 2, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई। आपको दे रखा है दैट विल बी इक्वल टू के पाई, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरीके से हमारा जो के का आंसर आएगा वहां पर वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपरबोला से, और यहां पर आपको देखिए क्या दिया गया है कि एक हाइपरबोला की तथा उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज ये है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू होता है हमारे सामने, हम कैसे याद रखते हैं, जो भी हमारे सामने नेगेटिव टर्म होती है ठीक है उसी के करस्पॉन्डिंग, तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे यहाँ पर ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने अगर हाइपरबोला के लिए बात करें तो हाइपरबोला में वाई स्क्वायर वाला कॉपिशेंट नेगेटिव होता है, उसका कॉपिशेंट होता है बी स्क्वायर, तो उसको पहले लिखते हैं और बाकी टर्म को बाद में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपको ई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही जब आप कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो ए स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव वाली टर्म इधर आती है, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई डेस का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जब आप ई डेस का स्क्वायर की बात करेंगे तो क्योंकि बी स्क्वायर डिवाइड में आएगा, तो इस बार क्या बनेगा, इस बार बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। आपको इसको रेसिप्रोकल करके एड करना है, तो देखिए 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डेस का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम दोनों में सेम आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही नीचे आ जाएगा, दोनों सेम फैक्टर बन गए, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसी के साथ में आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन हाइपरबोला और सर्कल का कॉम्बिनेशन, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दी हाइपरबोला फ्रॉम विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो देखिए आपको इसके ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो किसी भी सर्कल के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ की जाती है, कहाँ से की जाती है, उसके डायरेक्टर सर्कल से, और सर्कल के अंदर उसके उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो कर्व और ये वाला कर्व आपका कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पर भी कट करेगा ठीक है ना, उतने ही आपके सामने क्या हो जाएंगे, उतने ही पॉइंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे आपको, और जैसे अगर 4 आ रहे हैं तो 4 दे देंगे आंसर, 2 आ रहे हैं तो 2, नहीं आ रहा है तो 0। तो इसका जो सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस है √2, a, ठीक है, तो इधर ये कैंसिल आउट आपका कट करेगा √2, a पर माइनस का और 0, और इधर √2a, 0 ठीक है, और ये इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, ध्यान रखिए ना, सर्कल अब 2 कहाँ से आ गया आप लोग सोचेंगे, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ की जाती है, डायरेक्टर सर्कल से। हाइपरबोला के अंदर देखिए ए नहीं होगा क्योंकि इधर आपको 3 दे रखा है, तो ये होगा आपका √3a और -√3a, तो ये इसके आगे आएगा इधर, ठीक है ना, √3a, 0, और इधर भी पीछे आएगा -√3a, 0। तो ये इसका वर्टेक्स होगा हाइपरबोला का, दैट मीन्स हाइपरबोला का डायग्राम इधर ऐसे बनेगा और इधर ऐसे बनेगा क्योंकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों कर्व किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना है, 0 है, तो इस तरीके से इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा 0 आए ऐसा जरूरी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर देखिए 3 की जगह 1 होता तो आपके फिर यहाँ पर आते और फिर आपका हाइपरबोला ऐसा बनता, तो उस केस में फिर आपके पास में 4 आंसर आता, इस तरीके से आपको 4 पॉइंट मिल जाते,
बट फिलहाल क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो ये नहीं, ये वाला है, तो इस वाले डायग्राम में और उसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका जेई मेंस का पेपर, ठीक है, और हमने कोशिश की यहाँ पर कि हर चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिले, और उसी लेवल का जिस लेवल पर आपके जेई मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट या डबल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। और इसी के साथ आपके आज का इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग डाउट क्लास में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।